नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेके ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। तारीख है आज की 18 फरवरी। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके फिर चाहे आप बैंकिंग, यूपीएससी, एनटीपीसी, आरपीएससी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जहां जहां पर इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर पूछा जाता है, आप एकदम दुरुस्त स्थान पर बैठे हुए हैं। हाथ में पेन पेपर रखिएगा और साथ में इंडिया का वर्ल्ड मैप का साथ साथ रखिए। हम लोग आपका सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत में। आज की शुरुआत हम आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। 20 तारीख से आप में से जो भी विद्यार्थी अब नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं, UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है फॉर UGC नेट, CSIR, JRF, जो examinations होते हैं, जिनके थ्रू आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो 20 फरवरी से आप सभी साथियों के लिए नया बैच इनॉग्रेट हो रहा है, फॉर अनअकैडमी नेट के नाम से हो रहा है। तो आप सभी लोग उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे साथी जिसको भी नेट की प्रिपरेशन करनी है वो उस चैनल पर जा सकता है, और अपने बड़े भाई बहनों को, क्योंकि शायद अभी तो आप बैचलर्स में ही होंगे, आप अपने बड़े भाई बहनों को बताइएगा कि हमारी तरफ से एक नया बैच आ चुका है। इसी के साथ साथ मैं अपनी सूचनाएं भी दे दूं SSC वालों के लिए। CGL की तरफ मेरा जो बैच चल रहा है करंट अफेयर्स का, वो बैच बहुत अच्छे से चल रहा है। आप में से कोई भी साथी अगर SSC CGL के लिए करंट अफेयर ज्वाइन करना चाहता है, 2 मार्च से पहले पहले अपनी तैयारी को पूरा करना चाहता है, तो उनका स्वागत है। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके वो बैच को शुरू कर लें। इसी प्रकार से CHSL वालों के लिए जनरल साइंस आ रही है 2 दिन बाद से, तो वो भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो SSC सेक्शन में जाकर के अंकित10 रेफरल कोड लगा के 10% का लाभ लें और क्लास को प्रारंभ करें। इसी क्रम में रेलवे वाले मेरे प्यारे साथियों के लिए आज से फिजिक्स शुरू हो रही है, तो आप में से जो भी साथी फिजिक्स ज्वाइन करना चाहता है और साथ ही साथ रेलवे सेक्शन में जो भी क्लासेस शुरू हो रही हैं उनको भी एक्सेस करना चाहता है, तो मेरे प्यारे साथियों को रेफरल कोड अंकित10 यूज करना है। इसी क्रम में मेरे RPSC वाले साथियों को, आज से मैं केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे साथी जो भी मेरे RPSC वाले साथी केमिस्ट्री जनरल साइंस में पढ़ना चाहते हैं, मेरी पहले निकली हुई बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, भविष्य में फिजिक्स और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अन्य क्लासेस जो भी चल रही हैं RPSC सेक्शन में, चाहे आपके पटवार और पुलिस के अंदर जो सिलेबस में काम की हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, रीजनिंग, मैथ जो भी चल रही हैं, उन सभी क्लासेस को आप मेरे साथियों अंकित10 रेफरल कोड लगा के यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर जो आप लोगों के लिए बनी है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक पेरिस में शुरू हुई। हाल ही में 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह द्विपक्षीय समुद्री संबंध को बढ़ाने के लिए म्यांमार का दौरा करेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। भारत में पुर्तगाल संयुक्त रूप से लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दुबई में गुल फूड 2020 में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने अडानी एंटरप्राइजेस के साथ 3 हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। सड़क सुरक्षा और तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसी के ऊपर ब्राजीलिया डिक्लेरेशन बना था, आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 2019-20 के लिए मिजोरम बिहार एक साथ आएंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बजट 2020 में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना होने की उम्मीद जताई है। मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के महत्वपूर्ण सवाल खत्म करवा दिए हैं, अब बजट के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो बजट में आज का सवाल है कि 2022 तक आय दोगुना हो जाएगी, और बजट 2020 का मुख्य विषय एस्पिरेशनल इंडिया रहा। अब मैं आप लोगों को यहां से आगे बजट के रोजाना 2 सवाल लेकर के कराऊंगा। चलिए साथियों, इन सभी चीजों को डिटेल से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सामने आज का मोटिवेशनल कोट, जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। आज ये मेरी मोटिवेशनल कोट मेरे लिए ही है। जिन साथियों ने बैच शुरू ना होने से पहले ही डिसलाइक दबा दिया, वो साथी वही हैं जिनके लिए ये कोटेशन आज मैं लेकर के आया हूँ। वो मेरे साथ दौड़ करके नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन में मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते, तो वो मेरे प्रतियोगी जो मेरे प्रतिस्पर्धा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज। तो जिनके पास दौड़कर मुझे हराने की काबिलियत नहीं है, वो मुझे तोड़ करके, यानी
यानी कि वो चाहते हैं कि इस तरह का एक नकारात्मक प्रयास किया जाए। तो आप सभी का वार्म वेलकम है, आइए हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं और हम सब मिलकर के अंकित परिवार के सदस्य सब मिलकर के इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ बेटा पढ़ाई क्या होती है। चलिए मित्रों, आप सभी के शुभाशीष से, मेरी आज तबीयत भी बहुत दुरुस्त है, बहुत अच्छे से मैंने मुंह में काली मिर्च दबा रखी है, आप लोगों ने तमाम सलाह दी थी, बस बिल्कुल उसी सलाह को मानते हुए हम पढ़ेंगे और आग लगा देंगे, है ना। चलिए शुरू तैयारी करते हैं आज सभी के लिए। बिल्कुल तबीयत ठीक है, मोहित, छोटू, अक्षय, वीरेंद्र, रविंद्र, सभी हम सब एकदम दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पेन पेपर उठा लो, मोर्चा साध लो, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आते करते हैं वेलकम इन लोगों का भी ना। चलो बेटा, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक किस स्थान पर आयोजित हो रही है? मेरे प्यारे साथियों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी आए दिनों आप चर्चा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुम दबा के बैठा हुआ है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी बैठक हो रही है पेरिस के अंदर। पेरिस कहां है? फ्रांस के अंदर है। साथियों, क्या है कहानी? पूरी कहानी को ध्यान से समझना, क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? मेरे प्यारे साथियों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कार्य इल्लीगल रूप से किए जाते हैं, इल्लीगल रूप से करने का मतलब हुआ, मेरे प्यारे साथियों, कोई भी कार्य दुनिया का बिना धन के नहीं होता। और जब धन की हम बात करते हैं तो धन अगर नंबर एक से पहुंचाया जाए तो किसी भी देश को दिक्कत नहीं होती, नंबर दो से अगर धन को पहुंचाया जाए तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब सब सवाल बनता है, सर नंबर दो से पैसा कैसे पहुंचाया जाता है? साथियों, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हवाला कारोबार के माध्यम से लोग पैसा पहुंचाते हैं, या फिर इस प्रकार से कि लोग मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं पहुंचाते, अन्य किसी माध्यम से, यानी कि रूट के माध्यम से पैसा पहुंचा देते हैं, ऐसा पैसा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आए। और दूसरा, अगर टेररिज्म को सपोर्ट करने के अंदर पैसे का उपयोग किया जाए तो मेरे प्यारे साथियों, जिसे टेरर फंडिंग कहते हैं, इन दो कारणों, दो चीजों पर निगरानी रखने के लिए ये 39 सदस्यों की एक कमेटी है जिसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, जिसका मुख्यालय भी पेरिस में ही है। इस मुख्यालय के अंदर मेरे प्यारे साथियों, ये सभी देश बैठते हैं जो इसके सदस्य मेंबर हैं, और वो ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास हमने पैसा पहुंचाया, जिन लोगों को, जिन देशों को हमने पैसा दिया, क्या उसने उस पैसे का सही उपयोग किया। मान लीजिएगा कि अगर पाकिस्तान को इन देशों ने अपनी तरफ से कर्जा दिया होता, अब उस कर्जे का उपयोग जो है वो पाकिस्तान अपनी भूमि पर पनपने वाले आतंकवाद के वित्त पोषण पर करता, यानी कि उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देता जो आतंकवादी हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग जिनको यूएन के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो लोग वहां खुलेआम घूमते हैं और उन लोगों की सुरक्षा पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा पैसा खर्च किया जाता है। एक तरफ तो पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया से पैसा मांगता है और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकवादियों की सुरक्षा करने के लिए दुनिया से लिए हुए पैसे से उनकी सुरक्षा मुहाल कराता है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लास्ट ईयर उनके ऊपर कदम उठाते हुए उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ग्रे लिस्ट का मतलब हुआ कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि या तो रोक लो, नहीं तो हम आप लोगों को उधार देना बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में इस कंडीशन को कहते हैं ब्लैक लिस्ट में डालना। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात यहां पर की जाएगी, यानी कि पाकिस्तान को आगे से पैसा ही ना दिया जाए, ऐसी स्थिति ले दी जाएगी। लेकिन जब ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो इनको एक चेतावनी दी गई थी, जिस प्रकार से सिगरेट का पैकेट आप लोग पीते हैं उससे पहले लिखा होता है वैधानिक चेतावनी कि इससे कैंसर होता है, इसी प्रकार से ग्रे लिस्ट में डालते समय उस लोगों के उसके ऊपर एक कोटेशन दी गई थी कि अगर आपने इसका उपयोग किया, यानी कि आपने अगर हमने जो पैसा दिया इसका अगर आपने उपयोग किया तो इसकी वजह से आप लोगों के ऊपर जो भी चैलेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे, अदरवाइज सुधर जाइए। तो अदरवाइज सुधर जाइए वाले स्टेप में इन लोगों को कहा गया था कि आप अपने यहां पर पन रहे जो भी आतंकवादी संगठन है उन पर रोक लगाइए। तो पाकिस्तान ने इसको ध्यान में रखते हुए हाफिज सईद को आज से 4-5 दिन पहले ही उठा करके जेल में डाल दिया, ताकि दिखा सके कि देखिए हमने हाफिज सईद को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया है, आपने कहा था आतंकवादियों को पकड़ लीजिए, हमने पकड़ लिया। लेकिन कल ही एक न्यूज निकल के आई कि जो मसूद अजहर थे, जो भी मतलब अपने यहां पे कंधार हाईजैक के लिए प्रमुख सरगना थे, मसूद अजहर जो है वो जेल छोड़ करके भाग गए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो दुर्गति हो रही है इसका सारा निर्णय यहां लिया जाएगा। पूरी दुनिया के वो कौन से देश हैं जिनके ऊपर की पाकिस्तान, जिनको टेरर फाइंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पैसा ना दिया जाए, इसके ऊपर जो बैठक होती है वो एफएटीएफ के दौरान होती है। हाल ही में ईरान और नॉर्थ कोरिया इनकी ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी डले हुए हैं, पाकिस्तान यहां पर ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। भविष्य में जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी आप लोगों के लिए एक न्यूज और निकाल के ले आऊंगा जिसमें ये बता दूंगा कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या रहा। अगर आप मेरा विश्लेषण पूछते हैं तो यहां पर पाकिस्तान को उसके ब्लैक लिस्ट में डलने से बचाने के लिए चाइना आ जाएगा सामने, क्योंकि इस समय एफएटीएफ का जो प्रेसिडेंट है वो चाइनीज है, तो वो वहां से बचाने के लिए उसका सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से दो अन्य देश भी हैं, तुर्की और मलेशिया, जो उसके साथ ही उसकी राग अलाप रहे हैं। तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलने से तो ये लोग बचा ही लेंगे,
ग्रे लिस्ट में डला रहेगा, जो कि उसके लिए काफी नुकसानदायक चीज है। मेरे प्यारे साथियों, तो ये आप लोगों को मैंने खबर समझा दी बहुत अच्छे से। अब मैं आपको यहां पर फैक्ट्स बता देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है आप उनको लिखते चले जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर पहली चीज तो यह है कि यह 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में बेटा आयोजित हो रही है। कहां आयोजित हो रही है? पेरिस में आयोजित हो रही है, जो कि फ्रांस में है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है। एफईटीएफ की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, तो एफईटीएफ की स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी। 1989 में G7 सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी। G7 सदस्यों ने, आज चाहो तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में भी लिख देना। आपने G20 के बारे में तो लिख लिख के भेज दिया है, G7 के बारे में भी। आज मैं और सवाल भी दूंगा, पूरी तरह से लोडेड हूं, क्योंकि एक दो दिन से पढ़ा नहीं पा रहा था। आज बढ़िया तरीके से पढ़ना है अपन को, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रॉक लगा देना एकदम, ठीक है बेटा। इस समय दोस्तों 39 सदस्य हैं, कुछ स्टैंडर्ड किताबों में 38 लिखे आए हैं। मैंने दोनों ही चीजें पढ़ ली हैं, तो मुझे ज्यादा ठीक ये लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा। मैंने जब मतलब इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो कई जगह पर कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में 38 लिखा हुआ है, किसी में 39 लिखा हुआ है। मैं मेजोरिटी इसके साथ जा रहा हूं, फिर भी मैं एक बार आपको और समय से क्रॉस चेक करके आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका इंडिया सदस्य है, इंडिया ने इसकी सदस्यता 2010 में ग्रहण की थी, नंबर एक। और इसके अतिरिक्त साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, और इसके जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जियांग मिन लियू है। जियांग मिन लियू जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं, ये आप इसके बारे में याद कर लीजिएगा। ये चाइनीज प्रेसिडेंट है इस समय, ये याद रखिएगा। इस एफईटीएफ के अंदर जो सदस्य हैं, इन्होंने अपने रीजनल रिसोर्सेज भी बना रखे हैं। रीजनल होने का मतलब हुआ कि क्षेत्र विशेष के हिसाब से लोगों के ऊपर नगाह रखने के लिए इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। जैसे कि भारत वाली साइड पर निगाह रखने के लिए इन्होंने एशिया पैसिफिक ग्रुप बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एशिया पैसिफिक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि भारत वाली साइड पर निगाह रखता है, मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो देश हैं उनके ऊपर नजर रखता है। किन दो चीजों पर काम कर रहा है ये? मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्य कर रहा है और टेरर फंडिंग पर कार्य कर रहा है। किस पर बेटा? टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये दो बात बस आपको याद रखनी है। मैंने आपको ये सारी बातें यहां पर बता दी, ठीक है बेटा। चलो जल्दी जल्दी अपने साथियों का लाइव लेकर के आ जाओ। जो एक आध साथी जो अपने एक दो दिन से मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो भी आराम की मुद्रा में चले गए थे, उनको भी जगा लो बेटा, ठीक है। चलो भाई, और जितने भी साथी हैं फटाफट लाइक का बटन दबा दो, ताकि लोगों को पता चल जाए। ये सारी की सारी चीजें जो है मैं यहां पर ले आया बच्चों। यहां पर मैं फ्रांस के बारे में जानकारी लेके आया हूं, चिंता ही मत करो फ्रांस। और अगला सवाल मेरा जर्मनी पर है, तो आज मैं पूरा यूरोप ही पढ़ा दूंगा आपको। यूरोप के, जैसे अपन ने दक्षिण अमेरिका अब घोटा मार लिया पूरा, अफ्रीका अपने टिप्स पर हो चुका है अच्छी तरीके से, दक्षिण अमेरिका अपने टिप्स पे हो चुका है, तो इन सब चीजों के साथ साथ अब आज आपको यूरोप का काम करा दिया जाएगा। फ्रांस देख लो एक बार, फ्रांस की राजधानी है बच्चों पेरिस, मुद्रा है यहां की CFC फ्रैंक, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है, और यहां का महाद्वीप यूरोप है, अटलांटिक महासागर में स्थित है बच्चों। ये रहा आपका फ्रांस। और पुर्तगाली आजकल अपने राष्ट्रपति आए हुए थे, उनका सवाल भी अपन लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जिनसे सवाल बन के बेटा आने वाले हैं। ये सारी चीजें अभी अगले सवाल के साथ ही कवर करा दूंगा, एकदम बिंदास रहो, ठीक है ना। चलो नेमी चंद जी लिख रहे हैं आई लव यू। हाँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जितने भी आप मेरे प्यारे साथी हैं उन सबसे मेरा अथाह दिल से सम्मान है और सभी को प्रेम है। यही कारण है कि तबीयत सही ना होते हुए भी हाई डोज खा करके, एंटीबायोटिक खा के आपके सामने खड़ा होता हूं। सर्दी के समय में पसीना आ रहा होता है, ताकि आप लोगों को पूरी जिद के साथ पढ़ा सकूं। और पढ़ करके हम बस 2020 में अपने को नौकरी लेनी है, फिर दिखाना है दुनिया को कि पढ़ना क्या होता है, ठीक है ना। लग जाओ बेटा, चलो हाई डोज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था, यह किस वर्ष में स्थापित हुआ था? अब मेरे प्यारे साथियों, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है क्या? मेरे प्यारे साथियों, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, म्यूनिक जर्मनी में स्थित है, जहां पर देश के बहुत सारे देशों के सदस्य आकर के इकट्ठे होते हैं। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ये देश मिलकर के कि पूरी दुनिया के अंदर, जैसे हाल ही में आप लोगों ने सुना हो कि ईरान के द्वारा जो वो छोड़ा जा रहा था, क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट छोड़ा जा रहा था, जिसका नाम था जफर, तो उस समय पर अमेरिकी साइबर क्राइम ने, मतलब साइबर हैकर्स ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, और 30% जो है ईरान का इंटरनेट जाम हो गया था। इसी प्रकार से ईरान वालों ने अमेरिका पर हमला कर दिया था। यानी आजकल जो लड़ाई हो गई है वो बम गोलों की नहीं हो गई है, साइबर क्राइम की हो गई है। साइबर हैकर्स जो है वो बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, पूरे देश की एक चिंता है, और उस मतलब पूरी दुनिया जो है वो चिंतित है कि आने वाले सुरक्षा का, मतलब आने वाली चेतावनियों से किस प्रकार निपटा जाए। तो उसके
लिए यहां पर मेरे प्यारे साथियों म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन होता है, उस म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का 56वां जो है वो एडिशन जो है वो उसका आयोजन किया गया है। ठीक है बेटा, तो मैं अब आप लोग इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा यूरोप पढ़ा रहा हूं, एक बार आप उसे देख लेना। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, यहां पर ध्यान से देख लेना। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 बाय द इवॉल्वड हेरिज। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर असैसिनेशन जब होना था अडोल्फ हिटलर का, तो उस समय यह व्यक्ति बहुत ज्यादा रूप से इसमें सम्मिलित था, तो उनके द्वारा ही यह सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। आइए अब हम थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को बताते हैं, पूरा यूरोप आपको पढ़ा देते हैं ढंग से। जर्मनी के बारे में मैं बता दिया कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन के ऊपर बर्लिन की दीवार क्यों गिरी, इसके ऊपर मैंने एक सवाल ऑलरेडी कराया हुआ है, एक वीडियो है देख लेना, यूपीएससी पे पढ़ा हुआ है। मुद्रा यहाँ की यूरो है, राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर है, महाद्वीप यूरोप है, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। आइए चलिए अब हम बात करते हैं आपको यूरोप की। मेरे प्यारे साथियों जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय, ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप कहलाता है। ये जो कलरफुल सा आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है, इसके अंदर तमाम देश आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां पर पुर्तगाल आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से अगर मैं अन्य देशों की बात करूं तो देखिए ये पुर्तगाल आपके सामने रहा, स्पेन आपके साथ में है, फ्रांस आपके पास है, ये यूके रहा, ये आयरलैंड रहा। अब एक एक करके हम इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जरूरी बात है मैं वो आपको समझा देता हूं। नंबर एक बात जो होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, और वो क्या है कि यूरोप और एशिया जिस माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं, जिस लाइन के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं, प्यारे साथियों अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए ध्यान से, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा पर यूरोप और एशिया एक दूसरे से अलग होते हैं। यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करने वाली दो संरचनाएं हैं, यहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों यूराल पर्वत। ये याद रख लेना बेटा, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। इसी प्रकार से बेटा यहां पर है कैस्पियन सागर। तो कई बार आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है कैस्पियन सागर, मेरे बच्चों सवाल क्या पूछ लिया जाता है कि यूरोप और एशिया को पृथक कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, यूराल माउंटेन और कैस्पियन सागर जो है ये रहा यूराल माउंटेन पूरी की पूरी रेंज जो कि यूरोप और एशिया को अलग अलग करती है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा कि आप लोगों के सामने दो महासागर दिखाए गए हैं। जल्दी जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर के आ जाओ भैया, यहां पर दो पर्वत वो दिखाए गए हैं महासागर, एक है ब्लैक सागर और एक है कैस्पियन सागर। ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे हम काकेशस पर्वत श्रृंखला कहते हैं। बच्चों याद रख लेना मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इनसे सवाल आते हैं और आपको पता चल जाएगा क्या सवाल आते हैं। ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में काकेशस पर्वत स्थित है, इस काकेशस पर्वत पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी स्थित है उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। आपसे सवाल पूछा जाता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एल्ब्रुस है। इसी प्रकार से जैसे माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसी प्रकार से माउंट अकांकागुआ आपने पढ़ा हुआ है। किलिमंजारो पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर, माउंट अकांकागुआ आप पढ़ते हैं अफ्रीका के अंदर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो बच्चों इस प्रकार से इस चीज को आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताता जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जाता है, यूरोप जो है उसके अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है। क्या नहीं है बेटा, एक भी मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब हुआ डेजर्ट नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेजर्ट की जब हमने बात की थी याद करो, दक्षिण अमेरिका के अंदर दो डेजर्ट थे प्रमुख रूप से, आटा कम है पेट चला गया, आटा कमा पेटागोनिया, याद कर लो। तो आपको इसी प्रकार से नामीबिया और कालाहारी जो है आपको सहारा, नामीबिया कालाहारी सहारा जो है वो अफ्रीका में पड़ाए हुए हैं। यूरोप के अंदर मेरे प्यारे साथियों एक भी मरुस्थल नहीं है, इसके अलावा हर कॉन्टिनेंट में मरुस्थल है, एशिया में भी है, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसी प्रकार से अमेरिका में भी है, अंटार्कटिका और ये जो आर्कटिक है इनके अंदर बर्फीला मरुस्थल कहा जा सकता है क्योंकि पूरी तरह से बर्फ में डले हुए हैं, लेकिन यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। मेरे प्यारे साथियों जब बात की जाती है यूरोप की तो यूरोप तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर की तरफ स्थित है बच्चों यहां पर आर्कटिक सागर, इधर की तरफ स्थित है अटलांटिक सागर, और नीचे की तरफ स्थित है मेरे प्यारे साथियों भूमध्य सागर। याद कर लो भूमध्य सागर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, भूमध्य सागर याद कर लेना, भूमध्य सागर ही है जिसकी वजह से
भारत में सर्दियों के दिनों बारिश आती है, जिसे आप मावठ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो क्लियर होता है वो यहां पर याद कर लेना। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी की जब बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक रास्ता है जो इन दोनों को जोड़ता है, उसको हम जिब्राल्टर की जलसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। ये सवाल पूछे जाते हैं बेटा, जिब्राल्टर जलसंधि, ये सवाल है आपके पेपर में आते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। तो तीन तरह से यूरोप जो है वो समुद्रों से घिरा हुआ है, ये याद कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, जब बात की जाती है सबसे बड़ी नदी के बारे में, तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी यानी रिवर कहा जाए, तो वोल्गा रिवर जो है मेरे प्यारे साथियों, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, इसको याद कर लेना। कहां से ओरिजिनेट होती है? वल्दाई की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। वल्दाई पहाड़ी से सबसे लंबी वोल्गा रिवर है, रूस के वोल्गा वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। कहां जाती है? जाती है मेरे प्यारे साथियों कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है, याद कर लेना, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से साथियों यहां की एक नदी और है जिसका नाम है डेन्यूब नदी, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब रिवर, ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट है, वोल्गा फर्स्ट है। डेन्यूब के बारे में बता दूं हॉर्न नहीं है, टेक्निकल टीम भैया हमारे लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर दो यार। डेन्यूब रिवर, डेन्यूब रिवर के अंदर बेटा याद क्या रखना है कि ये 10 देशों में बहती है, याद कर लेना, दुनिया की अकेली रिवर है जो 10 देशों के बीच में से होकर के बहती है। खास बात ये भी याद रख लेना, आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है कि डेन्यूब रिवर कौन-कौन से देश से होकर बहती है। इसके बारे में एक खास बात मैं ये बता देता हूं, इस पर इन 10 में से 5 देशों की तो राजधानी स्थित है, इनमें से 10 में से 5 देशों की तो राजधानी स्थित है बच्चों, ये है डेन्यूब रिवर, ये याद कर लेना बच्चों। इसी प्रकार से इटली के अंदर रिवर बहती है जिसका नाम है पो रिवर, उसे इटली की गंगा कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। पो रिवर, ये याद रखना, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, पो रिवर, इसे इटली की गंगा कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी प्रकार से इटली के अंदर एक इटली की गंगा, एक सवाल आप लोगों से और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आप लोगों से? पूछा जाता है कि यहां पर जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हंगरी के अंदर जो घास के मैदान है, हंगरी के अंदर घास के मैदानों को पुस्टाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्टाज कहते हैं, पुस्टाज। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन के अंदर जो घास के मैदान है उन्हें स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। यूक्रेन के अंदर घास के मैदान स्टेपी कहलाते हैं। और यह ध्यान रख लेना, यूक्रेन को मेरे प्यारे साथियों दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यूक्रेन को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। जो भी बातें मैंने बोल दी इनको स्लो मोशन में लिख लेना, इंटरनेट की स्पीड 0.75 कर लेना यूट्यूब की, तब जाकर के लिख लेना। एक साथ इतनी सारी बातें लिखता तो आधा घंटा चला जाता। ब्रेड बास्केट कह देना। ब्रेड बास्केट के अतिरिक्त इसको मेरे प्यारे साथियों ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हंगरी के बारे में, याद कर लेना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। साथियों यहां पर लिखा हुआ है आइबेरियन पेरेंसुला। ये आइबेरियन पेरेंसुला जो होता है मेरे प्यारे साथियों, स्पेन और पुर्तगाल को संयुक्त रूप से आइबेरिया कहा जाता है। किस किस को? स्पेन और पुर्तगाल को। ये स्पेन और पुर्तगाल है, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? आइबेरिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये यूरोप याद कर लेना, 2-4 बार याद कराऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही साथियों यहां की नदी है राइन रिवर, जो कि सबसे बिजिएस्ट रिवर के रूप में काउंट की जाती है, ठीक है ना। यहां से बहकर, यहां से क्या कहते हैं इसको, आपको रशिया से होकर के एक ट्रेन लाइन निकलती है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन, जो कि आपके सेंट पीटर्सबर्ग से निकलकर व्लादिवोस्तोक तक जाती है। दुनिया की सबसे लंबी रेल ट्रैक के रूप में उसको काउंट किया जाता है। इसको हम 2-4 बार जो है ना आपको रिवाइज कराएंगे बच्चों, तो पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अपन ने अब इसमें शुरुआत कर दी है, ठीक है ना। ये जो फिनलैंड है यहां पर, इसको लेक मतलब कंट्री कहा जाता है, लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है इसको, लैंड ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर कहा जाता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, ऐसे लैंड ऑफ लेक्स के रूप में मेरे प्यारे साथियों आपके फिनलैंड को जाना जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों जो नॉर्वे है, इस नॉर्वे के अंदर बहुत सारे क्या है, तट ऐसे हैं जो कि बर्फ की वजह से पिघल चुके हैं, बर्फ की वजह से बने हुए इन तट को मेरे प्यारे साथियों फियोर्ड तट कहते हैं। फियोर्ड तट, फियोर्ड तट कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा फियोर्ड तट कहां पाए जाते हैं? नॉर्वे के अंदर पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार से मैंने आपको नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्री तो रटा ही रखी है, अब मैंने आपको पूरी तरह से यूरोप रटा दिया है। आप भी जल्दी जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर के आ जाओ, दुनिया का थोड़ा भला आप भी कर दो। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैंने ये सारी की सारी ज्ञानवर्धक चीजें आपको दे दी हैं, यूरोप रटा दिया,
किया है, आगे आने वाले टाइम पर देखना आपको यूरोप उंगलियों पर होगा, उसका एक भी सवाल आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का गलत नहीं होगा, गारंटी अपनी, ठीक है ना। अब मैं साथियों यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं, उन्होंने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश का दौरा किया है? हाँ भाई, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं एडमिरल करमबीर सिंह। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था थिएटर कमांड नाम से एक चीज होती है जिसकी स्थापना की भारत बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था भारत का पहला थिएटर कमांड अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। तो अब क्या हुआ है, एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल का मतलब ही हुआ नौसेना से संबंधित है, वो इन दिनों कहां गए हुए हैं समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए? म्यांमार गए हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, याद कर लो। जब म्यांमार की बात बताते हैं, म्यांमार आप लोगों ने अक्सर किस चीज के बारे में सुना है, म्यांमार आप लोगों ने किसके बारे में सुना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, आप आप लोगों ने हमेशा रोहिंग्यास के बारे में ही म्यांमार को सुना है, लेकिन आपको मैं यहां से आगे की बात बताता हूं। यहां पर हुआ क्या है कि भारत के द्वारा अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करने के लिए, याद कर लो, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, नाम था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। क्या नाम था बेटा? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये क्या था अभी समझाता हूं, याद कर लो। जब अपन भारत की बात करते हैं ना, तो भारत के अंदर बात करते समय हम यहां पर बात करते हैं कि एक चिकन नेक वाला हिस्सा है चिकन नेक, याद कर लो। अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की थी बच्चों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसके माध्यम से शेष भारत जो है वो पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। तो वो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसके द्वारा कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा अक्सर ये लाइन बोली जाती है कि इसे देश से अलग कर दो, भारत से नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। लेकिन भारत इतना कच्चा नहीं है जो किसी के कहने पर टूट जाएगा। भारत के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल काम किए जाते हैं। उन स्ट्रेटेजिकल काम में जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है, याद कर लो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बांग्लादेश के माध्यम से तो हम अगरतला पहुंच गए। बांग्लादेश की कौन सी लाइन थी वो? आशुगंज अखौड़ा लाइन, याद कर लो बच्चों। अपन ने पढ़ा है पूरा के पूरा, आपको बताया था मैंने आपको कि कहा था कि मेघना नामक नदी है, उस मेघना नामक नदी पर आशुगंज नामक एक स्थान है। आशुगंज से लेके अखौड़ा तक हम जाते हैं, अखौड़ा के बाद अगरतला तक हम जाते हैं। ये तो हमने बांग्लादेश में होकर के रूट बना दिया था नॉर्थ ईस्ट जाने का। अब हमने एक रूट रहे हैं, नया भी बना रखा है, उसका नाम क्या है, कलादान मल्टी मॉडल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, सितवे। सितवे नामक एक पोर्ट है जो भारत ने विकसित किया है। सितवे नामक पोर्ट से म्यांमार में होकर के हम मिजोरम तक, मिजोरम की राजधानी आइजोल तक अपना सामान पहुंचा पाएंगे। सितवे नामक पोर्ट से मेरे प्यारे साथियों एक नदी है जिसका नाम है कलादान नदी। उस कलादान नदी के माध्यम से हम सामान पहुंचाएंगे, उसके बाद रोड के माध्यम से, और उसके बाद नेशनल हाईवे के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों हम अपना सामान मिजोरम तक पहुंचा देंगे। रूट देखना चाहते होंगे आप, आइए मैं आपके लिए रूट भी लेकर के आया हूं। ये रहा पूरा की पूरा रूट, एक बार ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथियों। ये है आपके सामने पूरा की पूरा वेस्ट बंगाल। देखो बेटा, ये रहा कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर ये वाला जो नदी है हुगली नदी, यहां से निकला पोर्ट, जहाज निकला। देखो बच्चों कितना गया, 539 किलोमीटर ये गया जहाज पानी में से होता हुआ, और कहां जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में से जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा हाथ हिला दो आप भी। और ये पहुंचता हुआ कहां चला गया, सितवे। सितवे कहां है, म्यांमार में, याद कर लो। ये रहा सितवे। सितवे में एक नदी है जो पानी अपना छोड़ रही है, उसका नाम क्या है, कलादान नदी। कलादान नदी कहां तक जा रही है, तो पलेटवा तक। तो कलादान नदी के माध्यम से 158 किलोमीटर हम सामान कहां से ले जाएंगे, नदी में लेके जाएंगे, नदी में फेरी के द्वारा। कहां तक जाएंगे, पलेटवा में। पलेटवा कहां है, म्यांमार में। पलेटवा से कलेटवा जाएंगे, कहां जाएंगे देख लेना, पलेटवा से कलेटवा। कलेटवा गए, कलेटवा यहां से पूरा रोड चल रहा है। ये कितना किलोमीटर का रोड है, 129 किलोमीटर का, और यहां तक पहुंच गए भैया हम। कहां तक आपके पहुंच गए, भारत के बर्मा के बॉर्डर पर, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर यहां कौन सा जगह स्थित है, मिजोरम स्थित है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। और आइजोल तक यहां सर सड़क बनाई गई है, NH10 के नाम से पहले उसे जाना जाता था। तो ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने पूरा सामान अपन ने पहुंचा दिया। कहां से कहां तक चला गया, आपके कलकत्ता से होकर हुआ आइजोल तक सामान चला गया, याद कर लिया ना हमने। उम्मीद है सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, एक बार थम्स अप कर दो, मजा आ गया हो तो, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों, पूरा रूट मैप लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है ना। अब एक चीज और याद कर लो, आप लोगों को मैंने बताया था यहां पर ही चाइना अपना काम कर रहा है, उसका नाम है क्याक फ्यू।
काक फ्यू में क्या हो रहा है, चाइना के द्वारा एक रोड बनाई जा रही है, यहां ऊपर बैठा है चाइना और उसके द्वारा यहां से एक रास्ता बनाया जा रहा है जिसका नाम है सीमैक। सीमैक बिल्कुल वैसे ही है जैसे सीपैक है। सीपैक क्या था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे ही ये है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहां पर जो विकसित किया जा रहा है पोर्ट उसका नाम है क्याक फ्यू। क्याक फ्यू पोर्ट कौन विकसित कर रहा है, चाइना विकसित कर रहा है। हमने उसके मुंह पे ही क्या विकसित कर दिया, सितवे विकसित कर दिया, हमारा काम भी शुरू हो चुका है, हमारा कलादान के माध्यम से सामान भी पहुंच रहा है हमने म्यांमार के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, सितवे जो है वो रखाइन प्रांत की राजधानी है। रखाइन प्रांत जो कि आप लोग किसके बारे में जानते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के चक्कर में जानते हैं। तो उम्मीद है मेरे सभी साथियों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, एकदम आनंद भर गया होगा, बस पढ़ते चलो। चलो भैया, तो आपको हम बता दें कि यहां पर करमबीर सिंह क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि भारत चाहता है म्यांमार के साथ समुद्री सुरक्षा स्थापित की जाए, सितवे पोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत की नौसेना सितवे पोर्ट को अपने अधीन लेना चाहती है ताकि आने वाले समय में चाइना को वहीं पर बैठा करके उसके साथ हाथोहाथ कर दिया जाए। चलिए, ये पूरा की पूरा म्यांमार रहा जिसको आप बर्मा के नाम से जानते हैं, पूरा की पूरा ज्ञान हम आपके लिए यहां लेकर के आ गए हैं। इसकी राजधानी है नाइवी टॉप, मुद्रा है यहाँ की बर्मीकेत, राष्ट्रपति हैं यहाँ के विनमाइंड, महाद्वीप है एशिया, हिंद महासागर में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा ज्ञान आपको एकदम बढ़िया तरीके से दे दिया है, उम्मीद है आप सभी साथियों को याद हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, ये आपके इंडियन पॉलिटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना। आप लोग बता दो जब तक मैं सवाल पढ़ा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, अपने पॉलिटी के अंदर, भारतीय राजनीति विज्ञान के अंदर, संविधान के अंदर अधिकरणों की जब हम बात करते हैं, ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, तो ट्रिब्यूनल्स के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को बांच देता हूं। ट्रिब्यूनल्स के लिए कौन सा आर्टिकल है, जल्दी लिख के बताओ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, मेरे प्यारे साथियों, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नंबर एक, क्या कहा गया इसमें, कहा गया, मैं वो लाइन पहले सुना दे रहा हूं, इसमें कहा गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो क्षेत्र हैं, उन लद्दाख के अंदर जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज जो हैं, उन सेंट्रल सर्विसेज को चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल के अधीन ले आइए। किसके अधीन ले आइए, चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल के अधीन। तो ये तो हो गया साथ जो बताया था, ये वाली तो घटना हो गई जो कि पूरी बताई। जम्मू कश्मीर लद्दाख हमने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, आर के माथुर, तो आजकल ऐसे लगते हैं जैसे हमारे पड़ोसियों के नाम है, बार बार ही हम पढ़ रहे होते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू है और आर के माथुर है जो यहाँ के उपराज्यपाल बैठे हुए हैं, हमने ये भी कई बार पढ़ लिया 31 अक्टूबर को धारा 370 के हटने के बाद से इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। हाँ भाई, तो मयंक कुमार आपका आंसर सही आ गया है, सुदेश आपका आंसर गलत है, सत्येंद्र स्वीटी, हाँ बेटा पूरा पूरा आंसर लिखिएगा। हाँ भाई, विशाल प्रजापति एकदम सही आंसर है, अरुण बिल्कुल। तो देखिए, हमारे जो चाहने वाले हैं वो संख्या खूब है, लेकिन जो हमारे दुश्मन बन के बैठे हुए हैं ना, उनको बता दें कि ये क्लास जो है ना विद्वानों की क्लास है, इस विद्वानों की क्लास में मैंने आज तक नहीं पढ़ाया था ये लाइन, लेकिन मेरे बच्चों को सब पता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सही आंसर है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैं बता देता हूं, ट्रिब्यूनल्स में आर्टिकल 323A और 323B ये भारत के अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण कहे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको भारत के अंदर 42 संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद कर लेना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, इतनी सारी बातें इसमें जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पार्ट कौन सा है बच्चों, ये पार्ट है 14A। पार्ट 14A के अंदर ट्रिब्यूनल्स जोड़ी गई हैं, उसमें आर्टिकल 323A जो है उसमें बात की गई है, सेंटर अगर अधिकरण बनाती है, ट्रिब्यूनल्स बनाती है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स जो है वो किस में आते हैं, 323A में आते हैं, और अगर राज्य ट्रिब्यूनल्स बनाए तो वो आते हैं 323B में। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे प्यारे साथी पहली बार आए हैं उनको तो हम थोड़ा बता दें। मेरे प्यारे साथियों, जो पहली बार आए हैं परेशान मत होना, सिखाते हैं आपको ट्रिब्यूनल्स क्या होता है। कुछ नहीं है ट्रिब्यूनल, ऐसे समझो कि हम लोग, जैसे मान लो कि हम अभी अनअकैडमी में काम कर रहे हैं, अनअकैडमी में 5-7 हजार टीचर काम कर रहे हैं, तो भैया 5-7 हजार टीचर काम कर रहे हैं और हमारे बीच में कोई मसला आ गया। क्या मसला आ गया, कि मेरा पेन जो है वो मेरे मित्र निखिल ने ले लिया अपने पास, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया कि निखिल भाई आप हमारा पेन नहीं लेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर इनने हमारा पेन ले लिया, हम शिकायत लेके कहां जाएं, हाईकोर्ट जाएंगे क्या या सिविल कोर्ट जाएंगे क्या। हमने एक व्यवस्था बनाई, क्या व्यवस्था बनाई, कि भाई साहब हम अपना मसला अपने आप
आप निपट लेंगे। तो हमने क्या किया, अपने ही अन अकेडमी में एक ट्रिब्यूनल बना दिया, एक अधिकरण बना दिया, जिसमें कि हमने अपने समझदार लोग बिठा दिए, जो कि हम समझते हैं कि समझदार है, कंपनी भी समझती है समझदार है, और हम नहीं समझे समझदार है तो कंपनी कहेगी बेटा यही समझदार है, उनको बिठा दिया। हम उनके पास गए, भाई साहब हमारा पेन दिला दो, तो निखिल से पेन लेकर के उन्होंने हमारा पेन दिलवा दिया, निखिल को दो डांट पकड़ा दी। ये हो गया पूरा के पूरा काम ट्रिब्यूनल का। अब कैसे होता है ये ट्रिब्यूनल, यहां क्या काम करता है मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आपके आईएएस आईपीएस तो हो गई ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन जैसे आपकी आईआरएस हो गई, आईएएस हो गई, ये जो केंद्रीय सेवाएं हैं, जो कि ए रैंक की फर्स्ट ग्रेड की जो सेवाएं हैं, अगर मान लीजिएगा किसी सर्विसेज के अंदर किसी व्यक्ति को अपनी सेवा में पदोन्नति से, उसको मिले हुए किसी लाभ से वंचित कर दिया गया, या फिर उसके साथ कोई ऐसा कार्य हुआ जिसके लिए वो त्रस्त है, तो भाई साहब वो भाग करके हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट तो नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, सर्विस ही सर्विस के अंदर एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया जिनके अंदर उनकी सर्विस से ही चुने हुए कुछ लोगों को बिठाया गया, तो उन चुने हुए लोगों के माध्यम से इस मसले को डिपार्टमेंट के अंदर ही सॉल्व कर दिया गया, इसे कहते हैं ट्रिब्यूनल। अब समझ में आ गया सभी साथियों को, यानी कि सर्विस के ही लोग हैं, लेकिन भारत के अंदर ग्रेड वन सर्विस के जो लोग हैं ना, जिनको अपन ग्रेड वन से मतलब ए ग्रेड के जो लोग हैं, जिनके अंदर अपन केंद्रीय सेवाएं जिसको कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर इन ट्रिब्यूनल्स का हैसियत बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाईकोर्ट की हैसियत होती है, यानी इनके निर्णय वैसे ही मान्य होंगे जैसे हाईकोर्ट के निर्णय मान्य होते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स की जो संख्या है भारत में वो 17 है। कितनी है, 17 ट्रिब्यूनल है। तो हाल ही में मैंने क्या कहा, चंडीगढ़ जो ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन केंद्रीय कर्मचारियों के मसले चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिए गए हैं। अगर समझ में आ गया हो तो भाई साहब बढ़िया तरीके से आपका नाम हिट हो गया निखिल भाई चलिए तो समझ में आ गया मेरे सभी साथियों को, जल्दी जल्दी शेयर करते जाओ, बढ़ाते जाओ अपने साथियों को, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया यहां पर, पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई। तो ये आपके सामने मैंने पूरी जानकारी दे दी है, ट्रिब्यूनल्स की बातें कर दी आपने, ट्रिब्यूनल्स की संख्या कितनी है मैंने आपको बता दिया, ये जो जानकारी मैंने यहां पर लिखी है ठीक है बच्चों, तो 42nd अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया था, ट्रिब्यूनल्स की संख्या 17 है मैंने आपको यह बता दिया था। अब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या बनता है कि सर आर्टिकल 323A के तहत ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात की गई है ना, लेकिन सर इसका मतलब जो ट्रिब्यूनल बनेंगी वो ट्रिब्यूनल संवैधानिक संस्था होंगी कि वैधानिक संस्था होंगी। आप में से कई साथियों को शायद ये ना पता हो कि संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था में अंतर क्या है। संवैधानिक मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा होता है वैधानिक, वैधानिक का मतलब होता है स्टेटवरी। तो सर ये संवैधानिक और वैधानिक में अंतर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे पद जो कि संविधान में लिखे गए किसी आर्टिकल की वजह से जनरेट किए जाएं, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो इसकी वजह से डेवलप किया जाए, इसी प्रकार से मान लीजिएगा सीएजी का जो पद है जिसके लिए भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल, ऐसे ही भारत का राष्ट्रपति है उसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, जिनको आर्टिकल से डिराइव किया जाए ना, वो तो होते हैं संवैधानिक पद, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर किसी सर्विसेज को मेरे प्यारे साथियों संवैधानिक रूप से जो आर्टिकल है उसके थ्रू ना करके किसी एक्ट के थ्रू डेवलप किया जाए, एक्ट के थ्रू का मतलब यह हुआ कि अगर मैंने इसकी बात करी तो मेरे प्यारे साथियों इसके लिए एक्ट बना था द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बना। अगर किसी सर्विस का विकास किसी एक्ट के माध्यम से किया जाता है तो उसे स्टेटवरी निकाय कहते हैं, उसे विधानिक निकाय कहते हैं। जैसे कि भारत ने हाल ही में जो लोकपाल विकसित किया है उसको लोकपाल एक्ट के थ्रू घोषित किया है। जल्दी से एक बार लोकपाल रिवाइज कर दो, बता दो कौन है भारत के वर्तमान में लोकपाल, ठीक है ना। तो उसको एक्ट के थ्रू डेवलप किया है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, वैधानिक निकाय कहलाते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों सभी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ भाई, तो आपने मैंने आपको बता दिया दिल्ली में आयोजित किया गया, दिल्ली के बारे में तो बाकी बातें तो आपने काफी ज्यादा सुन रखी है, मुझसे ज्यादा तो मेरे प्यारे साथियों ने। हाँ, ये नीति आयोग वगैरह भी मेरे प्यारे साथियों ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 किस जगह आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। भाई हम 10,000 पर डटे हुए हैं, एक बार दम लगा दो, मालूम है मुझे कि आपको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है, एक बार फटाफट शेयर कर दो, इस संख्या को बढ़ाओ, जो लोग कल थोड़ा आराम में चले गए थे उनको जगा दो सबको, है ना। जल्दी जल्दी शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जहां पढ़ते हो बोले गुरु जी तबियत ठीक हो गई है आ जाओ पढ़ लेते हैं, है ना।
चलिए, तो हुआ क्या है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन के अंदर मेरे प्यारे साथियों बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, वाह मेरे साथियों, संदीप, प्रेम, मनमोहन, अपर्णा, रोहित, अमित, बिल्कुल सही आंसर है भैया, पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के प्रथम लोकपाल है, ये याद रखिएगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अच्छा चलो एक बात बता दो, भारत की वो कौन सी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो नंबर वन टेक्नोलॉजी कंपनी कहलाती है, बायोटेक की कंपनी जिसको, जिनका सम्मान ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी अवार्ड के द्वारा किया गया है, उस कमेंट में लिख के बता दो भारत की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नंबर वन कंपनी कौन सी है जिसको बहुत ज्यादा इज्जत प्राप्त है विश्व के अंदर। पिनाकी चंद्र घोष तो आ गया आंसर मुझे, बिल्कुल जो प्रदीप, अमित, जगन्नाथ, आकृति, शिल्पी, सबका आंसर आ गया। बायो एशिया शिखर के बारे में बता दूं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे सुधार किए जाएं, उसके अंदर कितने रिसोर्सेज लाए जाएं, कितने कितने न्यूकमर्स को यहां आमंत्रित किया जाए, उनके बारे में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बस आप स्थान याद कर लेना, बाकी इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये कहां आयोजित हो रहा है मैंने बता दिया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, अभी तो संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी भी यही है, यहां पर आयोजित। बायोकॉन, बिल्कुल, अब बायोकॉन के मालिक भी बता दो भैया, किरण मजूमदार, प्री पायरेट्स ने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, किरण मजूमदार की कंपनी है, बिल्कुल सही। नितिन, आशीष, मुकुंद, अरे भैया देखिए ऐसा है, हम लोगों ने कंपटीशन का लेवल चढ़ा दिया है, आप लोग इतने बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं भाई साहब, इतना तरीके से आप चीजें याद रखते हैं ना, शाबाश मेरे प्यारे साथियों। हेमेश, अमित, अभिलाषा, पवन, मुकेश, बायोकॉन कंपनी के, ये सब वो क्वेश्चन है जो रिवाइज करते रहने चाहिए। किरण मजूमदार जिनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब वो भी बता दो कौन सा पुरस्कार था जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, जल्दी से बता दो, इनको ऑस्ट्रेलिया में एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया तेलंगाना मेरे प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, लोकसभा सीट वगैरह तो मैंने बता दी, मतलब ये सब बातें हमने मल्टीपल टाइम कर ली हैं, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेना। हाँ भाई, किरण मजूमदार तो पढ़ लिया, इसके बाद बताओ, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर हेमराज मीणा बेटा, अभी तक उसके अंदर डिक्लेयर नहीं हुई है, बताओ भाई, मैं आगे देख लूंगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज टू बी सेट अप इन विच इंडियन स्टेट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सवाल आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्यों आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय समुद्रीय विरासत परिषद, अब कई बात लोगों को बच्चों समझ भी नहीं आएगी क्या कहानी है ये। साथियों क्या है, गुजरात के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है लोथल, मेरे प्यारे साथियों लोथल नामक जो स्थान है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक उसका आंसर नहीं आया है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड तो मिला है, बता देना चलो बाद में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। और मेरे साथी जल्दी 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 आंसर लेते जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूं जिससे आपको इसमें इंटरेस्ट आए कि ये है क्या, क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात बताता हूं कि लोथल नामक एक स्थान है, लोथल कहां पर है बच्चों, ये गुजरात में है ना, ये गुजरात में जो स्थान है ना बच्चों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का स्थान है, कब का स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का बच्चों, सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं जिसको आप, हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं जिसको आप, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों उस समय का स्थान है, मतलब आज से लगभग 2400 साल पुराना यह स्थान है लोथल। साथियों यहां की खुदाई हुई, क्योंकि नदियों के प्रभाव में आकर के यह दब चुका था, तो मेरे प्यारे साथियों यहां की खुदाई हुई तो यहां क्या पता चला, यहां पर उस समय का डॉकयार्ड बना हुआ है बच्चों। बच्चों डॉकयार्ड क्या होता है, जहां पर शिप का निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है बेटा, शिप निर्माण जहां होता है वो स्थान यहां पता चला, जिसे आप डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर डॉकयार्ड की बात पता चली लोथल के अंदर। अब इस बात सवाल बनी कि सर ये क्या गायब था क्या, यहां पे किसने ढूंढा था इसको, बच्चों ये मट्टी से दब चुका था ये स्थान, एक विद्वान थे जिसको, मतलब आप जिन्होंने इसका उत्खनन किया, एक्सकवेशन किया, उनका नाम था एस आर राव ने मेरे प्यारे साथियों इनका स्थान जो है 1957 में खोज करके बाहर निकाला। आप सोच के देखो 2400 साल पहले भारत के अंदर इनलैंड पोर्ट था इनलैंड पोर्ट, अब ये क्या होता है सर इनलैंड पोर्ट, मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपको गुजरात का मैप दिखाऊं तो यहां देखो बच्चों, ये है गुजरात का मैप, ये वाला जो स्थान है ना इसको आप कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, क्या कहते हैं बच्चों, खंबात की खाड़ी, है ना, खंबात की खाड़ी। ऐसे बच्चों ऊपर की तरफ कौन सी खाड़ी है, ये वाली कच्छ की खाड़ी। अब क्या था, यहां पर एक नदी आती है अहमदाबाद के पास से निकलते हुए, उसका नाम क्या है, साबरमती नदी, है ना, साबरमती नदी कभी यहां से निकलती होगी तो याद करो, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया ना सितवे से होकर के कलादान नदी के माध्यम से हम जा रहे हैं, तो सोचो बच्चों उस समय साबरमती नदी जो थी ना, वो साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती थी, साबरमती नदी के तट पर स्थित था लोथल, और वहां पर मेरे प्यारे साथियों समुद्र के जहाजों का निर्माण होता था,
2400 साल पहले समुद्र के जहाजों का निर्माण होता था, जिससे कि जहाज बनकर के नदी के माध्यम से फारस की खाड़ी जाया करते थे। बच्चों कहां जाया करते थे? फारस की खाड़ी याद कर लो, अरे वही गल्फ कंट्रीज, यूएई वगैरह वाली जो कंट्री है, आगे वाले मैप में दिखा दूंगा, वहां पर पर्शियन गल्फ की मतलब गल्फ जो है वहां की सील भी मिली लोथल में। सोचो हमारे पास इतिहास का इतना पुराना जो है वो एविडेंस स्थित है। तो हम क्या चाह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि इस स्थान को डेवलप किया जाए, और इसमें हमारी सहायता कौन कर रहा है? पुर्तगाल विकसित कार सहायता कर रहा है कि सर जितना पुराना आपके पास समुद्री डॉकयार्ड है इतना पुराना हमारे पास भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि संयुक्त रूप से इसका विकास करें, दुनिया को पता चले कि समुद्री व्यापार आज का नहीं है, बहुत पुराना व्यापार है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। तो भाई साहब ये यूपीएससी में मल्टीपल टाइम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल है, इसको याद कर लेना। आपको मैं बता दूं इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित होगा? तो गुजरात में स्थापित होगा मेरे प्यारे साथियों। ये किस किस के सहयोग से होगा? इंडिया और पुर्तगाल के सहयोग से विकसित होगा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति इन दिनों आपको मालूम है ना, मतलब भारत की उस पे आए हुए थे यात्रा पे, जिनका नाम है मार्सेलो रेबेला डी सूसा। मार्सेलो रोबेला है ना, तो इनका नाम याद कर लेना, याद कर लेना बच्चों। मैंने आपको बताया था ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो इनको थोड़ी इज्जत देनी जरूरी है, अपने संबंध अच्छे होंगे, इन्होंने भारत के साथ अच्छी बात करी है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गुजरात की बातें तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम कर दी, एक बार और देख लेना। बस यहां के बारे में बस इतना बता देता हूं, गुजरात के अंदर नेशनल पार्क, एक समुद्री नेशनल पार्क भी पाया जाता है, और वो जो समुद्री नेशनल पार्क है वो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के साथ भारत के 3 समुद्री नेशनल पार्क में से एक है। मेरे प्यारे साथियों गिर नेशनल पार्क जो है, जिसको लेकर के अमिताभ बच्चन कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वो इसी का एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। यहां पर शेर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ब्लैक बग और वसंदा यहां के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये 4 नेशनल उद्यान हैं, आपको याद हो गए। विधानसभा सीटें यहां पर 182 हैं। गुजरात के बारे में तो भाई साहब मोदी जी से ज्यादा किसी ने प्रचार किया ही नहीं वहां का, तो आप सबको अच्छे से पता ही है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरन सिंह कौर बादल ने देश में गुलफूड 2020 में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया। पहले सवाल समझना, फिर इंडिया पेवेलियन पर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जा रहा है? गुलफूड 2020। मेरे प्यारे साथियों गुलफूड 2020 जो है इसका उद्घाटन हुआ है यूरोप या यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, दुबई के अंदर मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर मेरे प्यारे साथियों ये हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं ये गुलफूड पहले क्या है। देखो भैया ये फोटो ध्यान से देखो, गुलफूड जो है ना ये दुबई के अंदर स्थान है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में ये मतलब फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि इसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो पहले तो ये याद कर लेना। बोले सर फिर भी इसके बारे में कुछ खास बात यहां फूड लगा हुआ है सर, कोई खास बात है क्या? बिल्कुल। देखो बेटा यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें, गुल और फूड में एफ को ही रेड क्यों किया हुआ है? एफ को ही रेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसको आप यो पढ़ो तो गल्फ है और यो पढ़ो तो फूड है। तो गल्फ का फूड, गल्फ कहां पर है? यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये सॉरी यूरोपियन यूनियन बोल रहा हूं, ये रहा गल्फ जिसको आप पर्शियन गल्फ कहते हैं, ये रहा यूरोप, ये यूनाइटेड अरब अमीरात जिसके अंदर दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ये आयोजित किया जा रहा है। भाई साहब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो वाला यूएसए वाला नहीं है, इनने भी बना रखा है अपना। खास बात क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड का एग्जीबिशन शो है, दुनिया का सबसे बड़ा फूड एग्जीबिशन शो है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये मेला लग रहा है जहां पर दुनिया भर से आए हुए तमाम शेफ, जैसे अपने संजीव कपूर वगैरह जो बासमती चावल बेचते हैं ना टीवी पे, वो सब लोग पहुंच करके यहां स्टॉल लगा रहे हैं, यूं समझो आप। मतलब बड़े बड़े शेफ पूरी दुनिया के यहां आए हुए हैं, अपनी स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि हमारे यहां पर ये। फिर सर ये इंडिया पेवेलियन क्या है? पेवेलियन तो खिलाड़ी लौटते हैं सर, ये पेवेलियन क्या है? भैया जिस प्रकार से दर्शक दीर्घा बनती है जिसको आप पेवेलियन कहते हैं ना, ऐसे ही जब कभी मेले गए होंगे ना आप, तो मेलों के अंदर नहीं लगी होती है स्टॉल, लगी होती है दिल्ली की स्टॉल, कानपुर की स्टॉल, कानपुर जूते चप्पल वालों की स्टॉल सब जगह दिख जाती है ना। ऐसे ही ये तिब्बत वाले जो आते हैं, तिब्बती मार्केट आपको दिख जाता है। तो ऐसे ही भारत वालों ने अपनी स्टॉल लगाई है वहां कि भाई साहब हम इस तरह का खाना खाते हैं। तो जो भारत की स्टॉल है ना, उसका उद्घाटन कौन ने किया है? हरसिमरन सिंह कौर बादल ने किया है ना, कृषि मंत्री हरसिमरन सिंह कौर बादल ने, ठीक है ना। तो ये पूरा की पूरा ज्ञान हमने दे दिया आप लोगों को, तो सारी जो खास बातें हैं यहां पर पता चल गई, ठीक है बेटा। चलिए तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। यूएई के बारे में तो हम लोग हर दिन कोई ना कोई बात कर ही रहे हैं। कल परसों हमने नागपुर के संतरे भेजे, यहां पर संतरे खाली होंगे, ठीक है ना। सीजन का पहला भेजा
है, राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है राष्ट्रपति खलीफा जन अनायान है, महाद्वीप एशिया है, भारत यहाँ का थर्ड निवेशक है, भारत में जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं वो यूएई से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें आप लोगों को यहां पर अतिरिक्त रूप से पता चल गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ भाई साहब, ये वही व्यक्ति हैं जिसके बारे में अभी आप हाय हाय मोदी करना शुरू कर सकते हैं, और वो क्या है, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी अडानी है ना अडानी और अंबानी दो का नाम ना जुड़े तो मजा ही ना आए, अडानी एंटरप्राइजेस के साथ 3 हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए समझौता किया है। 3 हवाई अड्डे कौन से हैं, अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु। मेरे प्यारे साथियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी को 3 एयरपोर्ट पकड़ा दिए हैं। कौन कौन से, अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर, इनका विकास अब अडानी करेगा, डेवलपमेंट करेगा, यहां पर ऑपरेट करेगा और कमा करके पैसा सरकार को देगा अडानी ग्रुप। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि सरकार ने प्रॉपर तरीके से बिडिंग की थी। बिडिंग का मतलब हुआ था प्रॉपर तरीके से बोली लगाई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। बोली के अंदर सर्वाधिक जो बोली लगाई वो अडानी ग्रुप में ही लगाई थी। अडानी ग्रुप की सर्वाधिक लगी हुई बोली के आधार पर इनको ये स्टेशन पकड़ाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। पर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग रेट है। जैसे अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि अहमदाबाद की बात है तो वहां 177 रुपए जो है, ये अडानी जो है ये किसको पकड़ाएगा, सरकार को पकड़ाएगा एक पैसेंजर पर। इसी प्रकार से लखनऊ में 171 रुपए पकड़ाएगा, 115 रुपए मैंगलोर में पकड़ाएगा पर पैसेंजर सरकार को, कि साहब ये लीजिए आपको मैंने कमा करके दे दिया। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आ गई आप लोगों के सामने। भाई साहब ये बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल क्यों है, सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय सम्मेलन। अब आपको क्यों याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट पीसीएस में, ये सवाल पूछा हुआ है। इसको कहते हैं बेटा ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, याद कर लेना बेटा ब्राजीलिया घोषणा पत्र। जो पुराने साथी हैं जिनको पता हो वो अन्य साथियों को भी थोड़ा सा एनलाइटन कर दें। 2015 में बेटा ये ब्राजीलिया जगह याद कर लो, कहां की राजधानी है, ब्राजील की है ना, ब्राजील की जो राजधानी, अरे यार एक तो हम हिंदी में भी कायम अड्डाते हैं, ब्राजील में, ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील के अंदर ब्राजीलिया राज घोषणा पत्र हुआ था 2015 में, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि 2030 तक रोड दुर्घटनाएं जो होती हैं, रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, इनको घटा करके बहुत मिनिमम स्तर पर ले आया जाएगा, उसके तमाम प्रयास किए जाएंगे। तो ब्राजीलिया घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो रोड सेफ्टी से संबंधित है बच्चों, रोड सेफ्टी। ये जो था ना, ये दूसरा बेटा सेकंड वाला अधिवेशन था, सेकंड वाला अधिवेशन था रोड सेफ्टी के ऊपर 2015 में। अब 2020 आ गया बच्चों, 2020 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तीसरा अधिवेशन हो रहा है, इसलिए याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना। थर्ड है, थर्ड हाई लेवल ग्लोबल, इसको ऐसे समझ लो नितिन गडकरी जो है भारत के परिवहन मंत्री, वो यहां पर गए हुए हैं, जो कि यहां पर जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि भारत किस प्रकार से अपने यहां पर रोड सेफ्टी के कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा स्वीडिश क्रोना, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफ ने, यूरोप के अंदर स्थित है, नॉर्वे, स्वीडन अभी मैंने बताया था, लेक ऑफ लेक सिटी, मतलब ये सब चीजें आपको यहां पर याद रखनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2019-20 के तहत राज्य बिहार के साथ कौन आया है, तो मिजोरम मेरे प्यारे साथियों बिहार राज्य के साथ आया। अब बच्चों ये होता क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक बार के लिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। देखिए क्या है कहानी साथियों इसकी, कि जब भी कोई राज्य ऐसा होता है ना कि अपने अन्य साथियों को भी वो डेवलप करना चाहता है, अन्य साथियों को डेवलप करने से मतलब क्या हुआ कि अगर बिहार का कोई बच्चा है वो अगर घूमने जाना चाहता है, कहां घूमने जाना चाहता है, मिजोरम घूमने जाना चाहता है, तो मिजोरम एक तरह से यूं समझ लो कि राज्य सरकारों के बीच में चल रहा एक प्रकार से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। ये बिहार के बच्चे मिजोरम घूमेंगे, मिजोरम के बच्चे बिहार घूमेंगे, इस तरीके से एक प्रोग्राम है स्टूडेंट एक्सचेंज का, जिसको आप ऐसे याद कर लो। मिजोरम के बारे में मैंने आपको बात बताई थी, अगर याद हो तो, मिजोरम की राजधानी आइजोल याद कर लो, जहां पे अपन ने कलादान मल्टी मॉडल बनाया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के अंदर उपस्थित सभ्यताओं को मिलाने का एक प्रयास है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप में से बहुत सारे साथी जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, आप में से अधिकांश साथी अभी तक केरल घूम के नहीं आए होंगे। केरल भी हमारे लिए ऐसे है जैसे अमेरिका, केरल गए ही नहीं, बस बातें सुनी है, क्योंकि सब हमको याद करना पड़ता है, हर चीज में टॉप करता है वो, है ना। तो हम मतलब इवन CAA के विरोध में भी सबसे पहला नंबर उसी का ही आया था, टॉप करता है ना वो। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को केरल याद तो है लेकिन गए नहीं, तो हमको वहां का कल्चर भी नहीं पता है। तो जब हमको कल्चर नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये NDA गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया कार्य है, जिसमें लोगों को एक दूसरे का कल्चर समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, स्पोर्ट्स की खबर में यह है कि भाई साहब हरियाणा वालों ने पढ़ाई का मिशन चलाया हुआ था, मिशन रीडिंग चला हुआ था, अब यहां पर एक कमाल और कर दिया इन्होंने, क्योंकि हरियाणा
हरियाणा का भाई साहब खेल में तगड़ा रुतबा है, तो यहां पर यह है कि 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर कोई जो है हरियाणा का व्यक्ति वहां पर क्या कहते हैं उसको जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ना जुलाई अगस्त में 2020 में 32वां संस्करण जो हो रहा है उसमें अगर कोई गोल्ड मेडल जीत के ले आया तो 6 करोड़ रुपए उसको सरकार देगी बच्चों, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था इकोनॉमिक सर्वे खत्म करा चुका हूं, बजट 2020 लेके आ गया हूं, और हां भाई रेलवे वालों आज आपके लिए 12 बजे कुछ खास है। 12 बजे खास यह है कि आज आपको रेलवे से संबंधित करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। दोपहर 12 बजे वाले वाईफाई स्टडी 2.0 पर, वाईफाई स्टडी जो मेन चैनल है जो अपनी क्लास आती है ना साइंस वाली, वहां पर मैंने कुछ प्रयास किया है, देखिए सक्सेसफुल हो गया, तो आप लोगों के लिए रेलवे का करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, तो रेल बजट पढ़ाऊंगा, बाकी के लिए उपयोगी हो तो देख लेना, ठीक है। तो किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुने होने की उम्मीद रखी गई है, तो बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुना होने की उम्मीद रखी गई है, नंबर एक। और निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं था, तो मतलब विषय तो यहाँ पे विषय था तो मेरे प्यारे साथियों एस्पिरेशनल इंडिया जो है ना यहाँ पर वो रखा गया है, इस बार का विषय रखा गया है, मुख्य विषय जो रखा गया है तो मुख्य विषय के रूप में एस्पिरेशनल इंडिया जो है बजट का मुख्य इशू रखा गया है। हमने आप लोगों को ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर प्रमुख दिवस के रूप में बात करें तो 20 फरवरी 21 फरवरी 22 फरवरी मैंने आपको ये दिवस जो है पहले भी पढ़ाए हुए हैं। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी के अंदर विश्व स्काउट दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों ये खास खास दिन है आपके सामने। आज का सवाल मैंने आपको कल दिया था, 20 देशों का समूह G20 कितने देशों का समूह है, तो वो मैंने सारा बताया हुआ था। 1999 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 20 देशों के अंदर एक जो ग्रुप है वो यूरोपियन यूनियन का है, यही कारण था जिसकी वजह से हमको विकसित मान लिया गया। हम लोग जो विकासशील बने हुए थे हमको विकासशील ना छोड़ के विकसित मान लिया गया। आज आपको बताना है, मैंने आपसे कहा है कि वो कौन सी देश है जिनमें से डैन्यूब रिवर बहकर जाती है, आपको कमेंट में यह भी बताना है, और G7 देश कौन कौन से आपको यह भी बताना है। मेरे प्यारे साथियों इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर 72,000 साथी जुड़े हुए हैं, जीके भाई अंकित अवस्थी सर, इस पर आप भी जुड़ सकते हैं। मेरी क्लास का पूरा मैटर मैं यहाँ शेयर करता हूँ। ये मेरा चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम पर, आप मुझे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर के नाम पर मेरे प्यारे साथियों 7 से 8 के बीच में करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। किन के लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये तो आप रोज देख ही रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए। आज GS4 रेलवे जो लगा हुआ है इसमें रेलवे वालों के लिए करंट के सवाल लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो रेलवे वाले तैयार होकर के पहुंच जाना 12 से 12:30, एक प्रयास है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है। आप सभी का साथ रहा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और हाँ भाई, स्टैटिक GK4 SSC में 1 बजे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में SSC वालों के लिए भी लेके आ रहा हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे कि उनका कुछ काम बन जाए, तो मैं यहां पर करंट अफेयर की कुछ चीजें यहां लेके आ रहा हूं। GS4 पटवारी राजस्थान पुलिस जनरल साइंस चली रही है यहां पर धमाकेदार तरीके से, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने मैंने ये सारी बातें बता दी। हां भाई, अंकित 10 से आपको कैसे कैसे कोर्स लेना है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, किसी भी क्लास में आप अंकित 10 लगा दो, किसी भी क्लास में, मतलब चाहे आप रेलवे पढ़ रहे हो, NTPC पढ़ रहे हो, UPSC पढ़ रहे हो, बैंकिंग पढ़ रहे हो, कैट पढ़ रहे हो, स्लैट पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो अंकित 10 लगा दो। मेरे क्लासेस कहां-कहां चल रही हैं, तो अभी SSC में चल रही हैं, रेलवे में चल रही हैं, RPSC में चल रही हैं, इन तीनों जगह पर आपको मेरे कोर्स मिल जाएंगे। अंकित 10 लगाने से आपको होता ही है मेरे पुराने क्लास भी मिल जाती है आपको, ठीक है ना। तो मेरी SSC की क्लास में अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ना है मेरे साथ, CGL के लिए करंट अवेयर लेके आ रहा हूं, CHSL के लिए, एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कैसे लेना होता है, कहीं पर भी आपको लेना हो मैं बता दूं कि जो मेरे बायोलॉजी वाले रेलवे वाले मेरे प्यारे साथी हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे के लिए तो मेरा करंट अफेयर जो है ना, सॉरी, रेलवे के लिए फिजिक्स शुरू हो रही है आज से, और RPSC वालों के लिए केमिस्ट्री शुरू हो रही है अनअकैडमी पर। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे लेते हैं आप लोगों को, मतलब ये ऐसे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करके SSC गोल में चले जाओ, SSC गोल में जाकर के गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर के फिर आपको आगे क्या करना है, वहां से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि इसी बार में आर पार का गेम खेल जाओगे तो 1 महीने का ही करंट अफेयर ले लो, लेकिन समझदारी है, CPO स्टेनो वगैरह सबकी क्लास लाऊंगा, CHSL वगैरह की क्लास लेके आऊंगा, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, 4800 रुपए का है, अंकित 10 रेफरल कोड है, 4300 रुपए में पड़ जाएगा, इस बार 2020 में आपका सारा काम हो जाएगा। अंकित 10 रेफरल कोड लगाना, 4800 रुपए फीस है, तो ये 4320 रुपए का आपको पड़ जाएगा 10% डिस्काउंट होने के बाद, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए अनअकैडमी का जो नेट वाला बैच है वो 20 फरवरी 2020 से 12 बजे लॉन्च हो रहा है। आपके बड़े भाई बहन जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की, उनको ये सूचना प्रेषित कर देना कि उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा नया चैनल आ रहा है, नया चैनल अनअकैडमी का, अनअकैडमी नेट के लिए, नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना लेक्चररशिप के लिए, कॉलेज लेक्चररशिप के लिए, उसका नया चैनल लॉन्च हो रहा है 20 फरवरी दोपहर 12 बजे। आप भी आइए, सभी लोग पहुंचिए, चैनल को देखिए क्या क्या तरीके से हमने
उच्च शिक्षा में अपना नया मुकाम हासिल किया है, उच्च शिक्षा में किस प्रकार से हम अपनी तरफ से नए कार्य कर रहे हैं, आप सभी के सहयोग से हम हर क्षेत्र में धीरे धीरे प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी ही, हाँ भाई, नेट भी पढ़ना हो तो अंकित 10 लगा देना, बढ़िया तरीके से आप लोगों को अनअकैडमी पर कोर्सेज बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए। और हाँ भाई, टेक्निकल टीम एक बार ये बता दो यार, हमारा वो टेस्ट लेना है बच्चों का कल। अरे अपन ने जहाँ तक ले लिया था दिसंबर का दूसरा वीक ले लिया था, थर्ड वीक का जो है टेस्ट ले लूंगा मैं। टेलीग्राम पर मैं इन्फॉर्मेशन भी डाल दूंगा और मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा कौन सी तारीख का टेस्ट है जो आपका कल मेरे टेलीग्राम चैनल पर आयोजित किया जाएगा, करंट का टेस्ट, ठीक है ना। चलो भैया मस्त रहो, बिंदास रहो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो और दुआएं करते रहो कि आपके गुरु जी दुरुस्त रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। थैंक यू सो मच।